कटिहार के हसनगंज थाना क्षेत्र के बग्घाबाड़ी में 3 कट्ठा जमीन को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जहां 1 पक्ष के 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज कटिहार सदर अस्पताल में चल रहा है। दरअसल मोहम्मद अरुद्दीन अपनी जमीन में रिपेयरिंग का कार्य कर रहे थे, तभी गाँव के ही मोहम्मद सद्दाम अपने अन्य परिजनों के साथ मोहम्मद अरुद्दीन के पूरे परिवार को बुरी तरह से पीटा, जिससे अरुद्दीन, उनके पिता, माँ के अलावा 1 भाई भी घायल हो गए। फिलहाल मोहम्मद अरुद्दीन ने थाने में मामला दर्ज करा दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीटी न्यूज बिहार के लिए कटिहार से मनीष कुमार की रिपोर्ट। घटना कैसे चोट लगी आपको? हमारे घर का घटना है। हाँ। चोट कैसे लगा आपको? चोट लगा, ये लाठी से मारा। कौन लाठी से मारा आपको? सद्दाम। क्यों मारा लाठी से? जमीन जायदाद का लफड़ा में। अच्छा, सद्दाम कहाँ का रहने वाला? बग्घाबाड़ी का। बग्घाबाड़ी? हाँ, बग्घाबाड़ी। बग्घाबाड़ी कौन सा थाना? थाना हसनगंज। हसनगंज। आपका क्या नाम है? अमीरुद्दीन। अच्छा, पिताजी का क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुख्तार अली। आपका घर कहाँ है? बग्घाबाड़ी। अच्छा, जमीन को लेकर हुआ विवाद? हाँ। कितना जमीन? वो 3 कट्ठा के बारे बता रहे हैं। हाँ। तो वो जमीन 3 कट्ठा का नहीं लफड़ा है, ये मिलजुमला खतियान का जमीन है, वही जमीन को लेकर लफड़ा चल रहा है। अच्छा, तो उस दिन क्या हुआ जो आपके साथ मारपीट हुआ? वो उस दिन एक, हम अलमिस्टर अपना घर में रिपेयरिंग कर रहे थे, ईंटा पत्थर चलाने लगा। कौन? सद्दाम। अच्छा, सद्दाम का पूरा नाम क्या है? सद्दाम हुसैन। अच्छा, उसके पिताजी का क्या नाम है? मुजफ्फर अली। अच्छा, बोलिए, बाहर क्या हुआ उस दिन? ईंटा पत्थर चलाने लगा। हाँ। हम लोग भी उधर से ईंटा पत्थर चलाने लगे, वहाँ से रिपेयरिंग से उतर गए हम लोग, वो लोग इधर से घूम के जाके फिर हमारा घर में वार किया। अच्छा, क्या जिससे वार किया? लाठी डंडा से। किस पे, किस पे वार किया? हमारा पूरा फैमिली पर। अच्छा, कितने लोग जख्मी हैं? जख्मी तो अभी 3-4 लोग जख्मी हैं। अच्छा, बाकी सबका इलाज कहाँ, घर में हो रहा है? यहीं थे, दो थे, तो एक अम्मी को रिफर, यहाँ से छुट्टी हो गया अम्मी का। अच्छा, यहीं इलाज चल रहा है सबका, 2 ठो का। क्या घटना? आप बेटे हैं आपके वो? हाँ, बेटे हैं। कैसे उनके साथ मारपीट हुई? मारपीट हुआ कि आज हमारी जमीन खतियानी जमीन है, मिलजुमला जमीन है दादी के नाम पर। वो खमोखा बोल रहा है 3 कट्ठा जमीन तुम्हारे पास है, 3 कट्ठा जमीन छोड़ दो ना तो तुमको घर दरवाजा तोड़ करके तुमको यहाँ से भगा देंगे। मेजोरिटी उनका लंबा है, बहुत मेरा फुफेरा ढेरी भाई है वहाँ बगल में, 25-30 आदमी हैं। तो टीलों को आज 6 महीना से, उसमें अगला मरतबे जो केस हुआ हमारा गाज काट लिया, 10 गाज काट लिया। कौन? वही सद्दाम और वाहिदुल मंसूर शरीफुल और मरफत। ये लोग कहाँ के रहने वाले? वही के रहने वाले, बगले में दियादे है, हसनगंज के। हाँ, वही हमारा घर का बगल का बग्घाबाड़ी, बग्घाबाड़ी। दस गाज काट लिए, थाना आए, थाना वाला कोई सुनवाई नहीं किया, उनके हमारे ऊपर झूठा केस कर दिया। हम जब तक कोर्ट में केस किए, जब वहाँ केस नहीं लिया तो 10-12 दिन के बाद मेरे ऊपर झूठा केस कर दिया। कितने तारीख को मारपीट किया आपके बेटे? ये कहानी, ये तो पहले का कहानी हम कर रहे हैं। हाँ। बोल रहे हैं ये सब, ये भी बोल रहे हैं, लास्ट में बोल रहे हैं। तो झूठा केस कर दिया, उसमें हम सुपरविजन करा कर इंस्पेक्टर से हम केस से बरी हो गए, और हमारा कोर्ट में न्यायालय में अभी केस चल रहा है, वो केस गवाही में है, और सुपरविजन जो हुआ है वो भी मेरा कोर्ट में जमा है। ये जो घटना में घटा, 1 तारीख में ना 2 तारीख में घटा था ऐसे कुछ। तो रिपायरिंग करने के लिए हम लोग चढ़े घर पर, एक बैग वो लोग हमला बोल दिया, चलाने लगे, वही सद्दाम, वाहिदुल, शरीफुल, मंसूर और उसको और सब सहयोगी, आप लोग पे हमला बोल दिया? हमला बोल दिया। क्या चीज़ से? वो ईटा पत्थर से। अच्छा, तो हम लोग डर से उतर गए नीचे। हाँ। नीचे जब उतर गए तो दरवाजा होके घुस गया, सारी के सारी आदमी घुस के डंटा बल्लम फिरछी चलाने लगा, 4-5 आदमी को जख्म कर दिया। जब हम जख्म करने के बाद वो लोग पहले थाना चला गया, थाना में जा करके वो लोग केस दर्ज करा दिया, हसनगंज थाना। और हम लोग बाद में गए, जब आप लोग थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, सुनिए ना, बाद में जब हम लोग गए तो हम लोग को डाँट डपट करने लगा बड़ा बाबू, तो उससे हम लोग उलझ गए, आप इतना जख्म होने के बावजूद आप हम लोग डांट रहे हैं, हमारा यहाँ वार कर दिया, सब कुछ कर दिया, और बोलते हैं इतना देर से आए, हम लोग को रास्ता छिका हुआ था वो। तो उसके बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ आ गए तो टाउन थाना घुसे, तो टाउन थाना वाला पहले इलाज कराइए, सीरियस पोजिशन है सबका, इलाज कराइए। इलाज में आए तो टाउन थाना वाला यहाँ आया केस लिखने के लिए, मेरे हमसे बयान लेने के लिए। तो तब तक वो हसनगंज थाना वाला हमको ऑफर कर दिया, जो नए आवेदन भेजिए आपके भी केस लेंगे, तो हम वहाँ आवेदन दे दिए, तो इसको हम बयान नहीं दिए।
यानी कि हसनगंज थाना में आवेदन दे दिए। हाँ, दे दिए, केस भी हो गया मेरा, कोर्ट भी आ गया इससे। केस नंबर 45। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम उससे इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। कितने लोग कुल जख्मी हैं? कुल जख्मी हुआ चार आदमी। चार आदमी जख्मी? हाँ, चार आदमी। सभी का इलाज चल रहा है अभी? पाँच रही। हाँ, सबका चला इलाज चल रहा है, यही से इलाज होकर गया है ना। क्या नाम है आपका? क्या नाम? मोहम्मद मुख्तार। मोहम्मद मुख्तार। आपके बेटे का क्या नाम है? ये अमीरुद्दीन। एक बेटा का नाम है। कितने तारीख की घटना है ये? एक तारीख की? एक तारीख शायद। एक तारीख को इतना डेट पता नहीं है हमको।